खून मजदूर का मिलता जो ना तामीरों में, न हवेली न महल और न कोई घर होता। कोई मौत के मुंह में यूं ही नहीं जाता, जिंदगी चलाने अपनों का पेट भरने की मजबूरी उसे ले जाती है। कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के हाथों जान गंवाने वाले यूपी में उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र के भटपुरा गांव निवासी मुकेश रावत कश्मीर के पुलवामा में तुमची नौपारा इलाके में एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करने 5 महीने पहले गए थे और आज का दिन है, परिवार वाले उनके शव का गांव पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। कल तक जिस जगह बच्चों का खिलखिलाना और हंसी ठिठोली हो रही थी, वहां आज मातम के आंसू हैं। दिवाली से पहले घर चलाने वाला चला जाएगा, यह शायद ही मुकेश के परिवार ने सोचा हो। मुकेश को दिवाली के बाद 20 नवंबर को घर लौटना था, लेकिन उसकी मौत की खबर आई तो घर वालों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उनका रो रो कर बुरा हाल है। घर से इतनी दूर जान का जोखिम उसने इसीलिए उठाया होगा ताकि 2 पैसे ज्यादा कमाकर अपनी 2 बेटियों और 2 बेटों को अच्छी शिक्षा का जीवन हर ऐशो आराम दे सके, लेकिन कायर आतंकियों ने मुकेश को मौत के घाट उतार दिया। सोमवार का दिन कश्मीर के लिए एक आम दिन जैसा ही रहा होगा, लेकिन दोपहर में पुलवामा में उन्नाव जिले के असोहा थाना क्षेत्र के समादा के भटपुरा में रहने वाले मुकेश की आतंकियों ने हत्या कर दी। इसके बाद तो हड़कंप मच गया, आतंकियों को पकड़ने की कवायद शुरू हो गई, लेकिन जब मौत की खबर भटपुरा पहुंची तो हड़कंप मच गया। पत्नी कुसुमा ने बिलखते हुए बताया कि पति मुकेश से सुबह करीब 10 बजे फोन पर बात होती थी। हर साल वह फोन पर पति की ऑनलाइन फोटो देखकर ही अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ती थी। 2 दिन बाद करवा चौथ का व्रत होने से वह पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने की तैयारी कर रही थी। उसे नहीं पता था जिस पति से वह बात कर रही है कुछ देर बाद उसकी हत्या की खबर आएगी। पति की मौत की खबर आते ही वे गश खाकर गिर गई। ईंट भट्टे पर मजदूरी करके देश की जीडीपी बढ़ाने वाले एक और प्रवासी मजदूर के हिस्से मौत आई है। अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वह कश्मीर में हो रहे प्रवासी मजदूरों पर हमलों का दहशत गर्दों को उनकी ही भाषा में माकूल जवाब दे। एक बहुत अच्छा शेर है कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।